हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्लावर फ्रॉम पेपर। पेपर क्राफ्ट का ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, आप इजीली घर में इसे तैयार कर सकते हैं। बच्चों को जो आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसमें भी वो इसे बना सकते हैं। आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक A4 शीट, हमने रेड कलर की ली है, आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसे पहले ट्रायंगुलर फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से कॉर्नर से लेके ट्रायंगुलर फोल्ड कर लिया हमने, और बाकी बचे पोर्शन को कटिंग करके सेपरेट कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर पीस तैयार हो जाएगा कटिंग होने के बाद, पेपर का स्क्वायर पीस तैयार हो जाएगा। अब इसको ओपन करके दूसरी साइड से ट्रायंगुलर फोल्ड करेंगे, ये स्टेप से क्रीज कर लेंगे। अब मिड में से हाफ फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करेंगे, इसी तरह से ओपन करके दूसरी साइड से इसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से क्रीज क्रिएट हो जाएगी। अब हमें एक कॉर्नर लेते हुए इस टाइप से फोल्ड बनाना है, ये हमारा स्क्वायर शेप फोल्ड तैयार हो जाएगा। अब इसे एक फोल्ड को, चार फोल्ड होंगे इसमें से एक फोल्ड को उठा के इस टाइप से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। इसी टाइप से जो चारों फोल्ड हैं उनको वन बाय वन करके फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ओपन करेंगे, बीच में से टिप पे से प्रेस करेंगे, इक्वली दोनों साइड्स में बराबर बराबर पोर्शन में करते हुए प्रेस कर देंगे, ये एक ट्रायंगल फोल्ड तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें सभी चारों फोल्ड्स को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। टिप पे से प्रेस करते हुए साइड्स को प्रेस करना है। इसी टाइप से लास्ट पोर्शन को भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये शेप में, इस शेप में पेपर फोल्ड होके तैयार हो जाएगा। अब ये टिप पे एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है, इसे नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, ये वन वन फ्लिप करते हुए इस तरह से बैक करके इसे फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगल फोल्ड से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सभी जो एक्स्ट्रा ऊपर ट्रायंगल शेप फोल्ड बाकी रह गए हैं उन्हें अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये लास्ट पोर्शन है, इसे भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से शेप तैयार हो जाएगा। अब इसको बीच में से ओपन करेंगे और ऊपर की लाइनिंग को साइड की लाइनिंग से मैच करते हुए प्रेस करेंगे, और सेंटर में एक क्रीज बनी होगी उससे फोल्ड कर वहाँ तक फोल्ड प्रेस करेंगे। इस टाइप से दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसी टाइप से
नेक्स्ट कॉर्नर उठाएंगे, बीच में से ओपन करते हुए साइड की लाइनिंग से एक लेवल में लाते हुए से क्रीज करेंगे सेंटर की लाइन तक, से प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट दूसरे कॉर्नर से भी इसी तरह से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस टाइप से थर्ड कॉर्नर को भी ले रहे हैं हम। दूसरी साइड से भी इसी तरह से प्रेस करेंगे। लास्ट फोल्ड को भी इसी तरह से कॉर्नर से मिलाते हुए साइड की लाइनिंग से बीच में से प्रेस करेंगे और दूसरी साइड से भी उसी तरह से प्रेस कर लेंगे। ये हमारे सभी फोल्ड्स हो गए। इसी टाइप से बाकी बचे चार फोल्ड्स के भी कॉर्नर से साइड की लाइनिंग तक प्रेस करते हुए बीच के पेपर को फोल्ड करके क्रीज बनाना है और वापस ओपन कर देना है। इस तरह से साइड की लाइनिंग के साथ मिड की लाइनिंग तक लाएंगे। इसी तरीके से हमें सभी फोल्ड्स को क्रीज कर लेना है। अभी हमारा पूरी तरह से फोल्ड तैयार हो गया है। इसको ऊपर जो लाइनिंग बनी है सेंटर की, उसके मिड तक नीचे से पेपर फोल्ड करके ऊपर तक लाएंगे और प्रेस करेंगे ताकि एक क्रीज क्रिएट हो गया है। अभी क्रीज क्रिएट हो गई है, पेपर को पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करके जो क्रीज बनी है उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो इजीली फोल्ड हो जाए। इस तरह से जो लाइनिंग बनी हुई है उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये हमारी क्रीज बन गई है, यहीं से हम फोल्ड करेंगे पेपर को। वन बाय वन, एक के बाद एक ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे सभी फोल्ड्स को। ये हमने ऐसे पेपर को फोल्ड कर लिया है। जो हमने नेक्स्ट पेपर की पेपर के जो साइड के फोल्ड क्रीज बना के ओपन कर देते हैं उन्हें फोल्ड कर लेंगे। इस तरह सभी कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा फ्लावर अब तैयार होने की स्टेज पे है। अब इसे धीरे धीरे ओपन करेंगे। केयरफुली थोड़ा थोड़ा खोलेंगे साइड से। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड वाइज खोल लेंगे। बीच में से एक एक पेटल को थंब के प्रेशर से इस तरह से ओपन करेंगे और पेटल को बाहर की साइड थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से फ्लावर की सभी पेटल्स को बीच में से ओपन करते हुए बाहर की साइड फोल्ड करना है। कर्व थोड़ा सा कर्व शेप दे देना है। इसी टाइप से सभी फोल्ड्स को ओपन कर लेंगे। ये हमारा पेपर फ्लावर तैयार हो गया है। इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप इजीली इसे बना सकते हैं।